आज मैं आप लोग को बताऊंगा, मेरे पास मेरा सब्जेक्ट है आज का बेटा केयर के ऊपर, मतलब बेटा को किस तरीके से रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हमें परी फिश एक्वेरियम में फिर से एक बार हम सब के चाहते हैं, अरिब है हमारे साथ में, और आज वो हमें बेटा फिश के बारे में नॉलेज देने वाले हैं। हम बेटा फिश तो बाय कर लेते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि प्रॉपर केयर न लेने की वजह से हमारी बेटा फिश मर जाती है। तो उसके लिए आज आरी भाई हमें बताने वाले हैं कि बेटा फिश की केयर कैसे लेना है, उसी के साथ में बेटा फिश को कैसे हेल्दी रखना है। तो आरी भाई, तो आप लोग को बताऊंगा मैं केयर करने का तरीका, बेटा किस तरीके से रखा जाता है और किस तरह से हेल्थी रखा जाता है बेटा। तो आप लोग देखेंगे पूरा वीडियो, तो आप लोग को बताऊंगा उसके अंदर बेटा किस तरह से रखा जाता है। बहुत से लोग बेटा बाय करने के बाद लोगों को पता ही नहीं होता कि किस साइज़ के टैंक में उसको रखा जाता है, किस तरीके से उसको मतलब उसका मतलब उसको हीटर लगाना है या नहीं लगाना है, फ़िल्टर कौन सा यूज़ करना है उसके अंदर। तो वो सब चीज़ें टैंक मेट्स वगैरह पता नहीं होता है, किसी भी मतलब वो गोल्ड फिश के अंदर डाल देते उठा के, या फिर कोई भी मच्छी में डाल देते, शार्क वगैरह में डाल देते, तो मच्छी बेटा फिश जो है मर जाती है, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो उसके लिए मैं आप लोग को ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए एंड तक। ओके भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अरे भाई, बेटा फिश के टैंकमेंट्स का है जो कि जिनके साथ में रहेगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बेटा के लिए सबसे बेस्ट रहेगा आप उसको टेट्रा के साथ में रखेंगे तो बेस्ट रहेगा सबसे, जैसे कि टेट्रा जो वैरायटी है उसको ऑक्सीजन भी लगता है, बट नॉर्मली लगता है, इतना ज़्यादा नहीं फ्लो नहीं मारता है। आप उसके साथ पावर फिल्टर नहीं यूज़ करते हो तो मच्छी को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आप उसको टेट्रा के साथ में कोई भी टेट्रा में आप रखें उसको। बट एक चीज़ है कि आपको वीडियो टेट्रा में नहीं रखना है, वीडियो टेट्रा जो है एग्रेसिव है और बेटा को मारती है। काफ़ी लोगों के सवाल मुझे भी आए, फ़ोन भी आया मुझे काफ़ी लोगों का, हर लोगों का व्हाट्सएप पर मैसेज आता है अरे भाई इसके साथ में बेटा रख सकता हूँ। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ वीडियो टेट्रा के साथ में आप बेटा नहीं रख सकते हो। वीडियो टेट्रा के साथ में बिल्कुल भी नहीं रखना। नहीं, वीडियो टेट्रा के साथ में आप नहीं रख सकते, बाकी आप कोई भी टेट्रा के साथ में रखें जो हार्मफुल ना हो, उसको मारे नहीं, निपिंग करने वाला टेट्रा में अपना रखें तो बेस्ट रहेगा। और आरी भाई किसके साथ में रख सकते हैं? अगर आप गपीज में रखेंगे तो भी आपको एक ध्यान रखना है कि आप गपी ऐसा है कि उसको मारे नहीं, वो आपको ध्यान रखना है। गपी में रख सकते हैं, सिंगल बेटा रखना है तो आप फीमेल के साथ में ना रखें तो बेस्ट रहेगा, ओनली फॉर मेल वगैरह तो चल जाएगा, तो इतना इशू नहीं। आप लोग को सिर्फ चेक करना है कि गपी को फिर उसको मार नहीं रहे तो बेस्ट है। मैंने भी तो गपी में रखा था बट इतना प्रॉब्लम नहीं आता, देखना है कि आपको उसको हार्मफुल ना करे, इसलिए वही आपको चेक करना है। डिस्कस के साथ में रख सकते हैं? डिस्कस चिकलेट फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप वो एग्रेसिव होती है, नियॉन टेट्रा को भी मारती है, तो आप लोग उसको चिकलेट में डिस्कस में ना रखेंगे तो बेस्ट रहेगा। ओके, तो मॉली के साथ में? मॉली भी निपिंग करती है, टेल खाती है, गोल्डफिश का टेल खाती है, तो आप उसको ना रखें तो अच्छा है। प्लैटी के साथ में? प्लैटी के साथ में एक चांस है रखने का, बट मेरे हिसाब से ना रखें तो बेस्ट है। ओके, और गोल्डफिश? गोल्डफिश के अंदर नहीं रख सकते, गोल्डफिश भी उसके टेल वगैरह खाने की, क्योंकि ज़्यादा मूविंग फास्ट नहीं करती है, वो एक स्लोली मूविंग करने वाली मच्छी है बेटा, तो आप लोग उसको ना रखेंगे तो बेस्ट है। और एंजल फिश? एंजल भी मारती है भाई, एंजल टेट्रस को भी मारती है, तो आप एंजल में ना रखेंगे तो अच्छा है। तो आरी भाई बाद में मेरा एक बहुत ही अच्छा सा सवाल है कि क्या हम इसको श्रिम्स के साथ में रख सकते हैं? श्रिम के साथ में रखेंगे तो फिर वो श्रिम को मारेगा बेटा, तो आप लोग श्रिम बचाना है कि आपको बेटा बचाना है, दोनों में से आपको डिसाइड करना है, तो आप लोग बेटा को ना रखें तो बेस्ट है, श्रिम मर जाएगी। अगर आपके पास श्रिम है तो मत रखिए, नहीं तो आपको ओनली फॉर बेटा रखना है तो बिंदास। ओके, यानी श्रिम्स को बिल्कुल भी नहीं रखने है नहीं, उसके साथ बेटा मार देगा। तो अरे भाई, बेटा फिश को कम से कम क्या साइज के टैंक में रखना चाहिए, अदरवाइज क्या साइज के बाउल में रखना चाहिए? मिनिमम बेटा उसको 4 इंच से बाउल में लेके आप उसको 10 इंच तक के बाउल में रख सकते हो। जैसे कि आप लोग को 4 इंच मतलब बाउल जो मैंने बोला आप लोगों को 4 इंच कम से कम 4 इंच है, उसके अलावा अगर आप उसको 8 इंच 10 इंच के बाउल में रखेंगे तो बेस्ट रहेगा। आप अगर 4 इंच के अंदर वाले साइज़ में आप रखेंगे तो बेटा को थोड़ा सा स्ट्रेस में जाने के चांसेस ज़्यादा है, उसको घूमने फिरने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम स्ट्रेस में जाएगा, फिर फिन डॉट वगैरह, फिर फिन सिकोड़ लेगा, ये सब प्रॉब्लम आपके साथ में क्रिएट होगा। ओके, और टैंक साइज़ यानी बाउल तो ले लिया, लेकिन टैंक अगर आप टैंक में रखना चाहते हो तो मिनिमम आप उसको 8 से 10 इंच के टैंक में आप उसको रखेंगे तो बेस्ट रहेगा। ओके, और अगर 1 फीट के टैंक में रखेंगे तो बेस्ट? 1 फीट भी बेस्ट है, आप उसके ऊपर अगर आप 2 फीट 2.5 फीट का टैंक, उसके लिए बेस्ट नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि बेटा एक बड़े से टैंक के अंदर एक सिंगल बेटा रखेंगे, या फिर आप टैंक में आप उसके अंदर कोई भी मछली डालेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होने के चांसेस, अगर आप उसके अंदर नियॉन टेट्रा वगैरह डालते हो तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, या फिर कोई भी टेट्रा वगैरह डालेंगे जो हार्मफुल नहीं है, वो बेटा को मारे नहीं, तो आप उसको रख सकते हो इजीली। तो अरे भाई, बेटा फिश के लिए क्या हमें हीटर यूज़ करना चाहिए? हीटर यूज़ करना चाहिए, एक्चुअल ज़्यादा ठंडी रहने की वजह से बेटा को प्रॉब्लम हो सकता है। ज़मीन में रहने वाला और चावल की खेती में पाए जाने वाला बेटा से उसको थोड़ा वार्म वाटर ज़मीन से गर्मी मिलती है, तो आप लोग को ये ध्यान में रखने का उसको हीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपने उसको बाउल में रखा है या फिर छोटे से टैंक में रखा है तो आप लोगों को उसको उसमें से निकाल कर आपको एक बकेट में रखना पड़ेगा जिसमें आप हीटर लगा सकते हो, कोई भी बर्तन में आप प्लास्टिक के,
तो ही प्रॉब्लम ना होगा, बट आप उसके अंदर हीटर लगा सकते हैं, उसके अंदर ट्रीटमेंट करने के बावजूद आप उसको बाद में उसको आप नॉर्मली टैंक में रख सकते हैं। इसको फिल्टर कौन सा यूज़ करना चाहिए? फिल्टर जो ज़्यादा फ्लो करने वाला फिल्टर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, मच्छी स्ट्रेस पे चले जाएगी। आप नॉर्मली उसको अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप उसको स्पॉन्ज फिल्टर लगा सकते हो, बट एकदम हल्का सा उसका जो है बुड़बुड़े निकलना चाहिए। ज़्यादा फास्ट निकलेगा तो बेटा स्ट्रेस में चले जाएगा, ठंडी बढ़ जाएगी और प्रॉब्लम होने के चांसेस है, बेटा सिकुड़ के मर जाएगा। अगर आरिफ भाई फिल्टर नहीं लगाया तो? विदाउट फिल्टर आप बिना ऑक्सीजन भी रख सकते हो उसको, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अरे भाई ये जो बेटा फिश हम बाय करके लेके जाते हैं तो इसका जनरली लाइफ स्पैन क्या होता है, कितने दिन तक जिंदा रहेगा? देखो ये सवाल मेरे से काफ़ी लोगों ने भी पूछा है शॉप पे आने के बाद, आरिफ भाई इसका तो उम्र ज़्यादा हो गया, बड़ा हो गया काफ़ी ज़्यादा, अभी ये ज़्यादा जिएगा नहीं, तो बाद से लोग उसको खरीदने के लिए भी थोड़ा डरते। तो आप लोग के लिए एक चीज़ बताऊंगा मैं, बेटा का जो साइज़ है मैच्योर साइज़ 8 से 9 महीने के अंदर अच्छा साइज़ हो जाता है, वो पर्टिकुलर लोग उसको लाइव फीडिंग वगैरह कर करके उसका साइज़ अच्छा ग्रोथ कर देते हैं, तो वो हिसाब से उसको साल भर का उसका पे रेट रहता है बेटास का जो सेलिंग के लिए आता है मार्केट के अंदर, तो उसके बाद भी उसको आपको 2 से 3 साल उसके बाद आपको मिल जाता है। आप किस तरह से उसको मेंटेन करते हो उसके ऊपर डिपेंड है, ये नहीं कि मैंने 2-3 साल बोल दिया तो 2-3 साल जिएगा, आप अच्छे से मेंटेन करेंगे तो डिपेंड है आपका कितने साल जिएगा, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से उसको मेंटेन। मैक्सिमम 3 to 5 years उसका, ये उसका टाइमिंग है। मैंने एक मेरे एक फ्रेंड को दिया, उसके पास 2 साल हो चुके वाइटर मेरे पास 2 साल हुआ है। ग्रेट आरिफ, यानी अच्छे से मेंटेन कर रहे करके। मेंटेन करने का तरीका है भाई, अच्छे से बड़े से बाउल में रखा है बंदे ने उसको, टाइम चेंज करने का तरीका मैं आप लोग को बताता हूँ। फुल्ली पानी चेंज नहीं करना होता बेटा इसका, ओनली फॉर आपको 20-30% पानी चेंज करना, हफ्ते में 3 बार आपको पानी चेंज करना है। आलमंड लीव जितना यूज़ करेगा उतना बेस्ट है, आलमंड लीव जैसे बोलते हैं ना, आलमंड लीव के अंदर मिनरल्स एंड प्रोटीन्स होता है, तो वो हिसाब से वो बेटा इसके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। तो अरे भाई ये जो हमारे बेटा फिश है इसके लिए फूड कौन सा है जो कि हमने यूज़ करना चाहिए? देखो क्या होता है कि कभी कभी मैं तो नॉर्मली पैलेट्स वगैरह भी डालता हूँ मेरे बेटास को, काफ़ी जगह से जब फार्म पे से आता है तो लोग लाइव फीड करते हैं, डेफनी वगैरह डालते हैं, ब्राइट शिम वगैरह डालते हैं, तो मच्छी एक दाना पकड़ती नहीं जल्दी, अब 3-4 दिन या हफ्ते भर पुराने भूखे हो जाते तो दाना खाना चालू करते हैं। रेंडल भी आपको 2 से 3 दाना डालना है, ज़्यादा आपको ओवर फीडिंग नहीं करना है, अगर ज़्यादा दाना डालेंगे तो पानी क्लाउडली हो जाएगा, मच्छी मर जाएगी, आपके चांसेस ज़्यादा मरने के, मर भी जाएगी। अगर आपकी बेटास अगर आप पैलेट्स नहीं खा रही तो आपको फिर लाइव में आपको ट्राई करना पड़ेगा, लाइव में जैसे कि आप उसको लाइव टूबी फ्लैक्स या डेप आपको मिलता है, ब्रांच से मिलता है तो आप उसको डाल सकते हो। इसके अलावा अगर आपको दोनों आपको प्रोवाइड नहीं मिल रहा है, लाइव फिश आपको लाइव फूड नहीं मिल रहा है, तो आप उसको ड्राई ब्लड वॉम या ड्राई टूबी फ्लैक्स वॉम्स भी डाल सकते हो। ओके, ड्राई वाले जो ब्लड वॉम्स मिलते हैं डब्बे में, हाँ वो हम डाल सकते हैं, वो भी डाल सकते, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सवाल आते हैं अरे भाई जब भी हम बेटा फिश का कुछ वीडियो डालते तो मेरा बेटा फिश खाना नहीं खा रहा है, पैलेट्स नहीं खा रहा है, तो उनके लिए आपने बहुत ही अच्छा सा आंसर दिया है। ये जो कमेंट्स नीचे आएंगे ना अभी नए वाले जो वीडियो डाल रहा हूँ मैं, ये कमेंट्स के चलते मैं उसके अंदर भी उनका आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो अरे भाई कितने टाइप्स की बेटा फिश होती है, यानी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, तो उस चलते आप बता दीजिए कि कितने टाइप की बेटा फिश होती है, और अगर यानी कौन सी बेटा फिश है जो कि स्ट्रांग होती है और कौन सी बेटा फिश है जो कि लोगों ने रखना चाहिए ऐसा कुछ? ज़्यादा करके मेरे हिसाब से एलिफेंट ईयर ज़्यादा एक्टिव रहती है बेटास में, और okay. ज़्यादा मूविंग करती है फास्ट, उसके कान बड़े तो स्विम ज़्यादा फास्ट करती है, एलिफेंट ईयर बेस्ट है। सेकंड में प्लकट की वैरायटी है, प्लकट में आप कोई भी वैरायटी यूज़ कर सकते हो, प्लकट के अंदर कैंडी में नीमो कैंडी हो गया, जैसे कि गैलेक्सी हो गया, आप कुछ भी हेल बॉय वगैरह कोई भी यूज़ कर सकते हो आप उसके अंदर, बट प्लकट ज़्यादा स्ट्रांग होता है मूनटेल के मुकाबले में, उनके पर वगैरह सिकोड़ने के चांसेस कम रहते हैं और ज़्यादा हेल्थी रहता है प्लाकाट। टाइप्स के अंदर देखो आता है उसके अंदर मून टेल आता है, ओके क्राउन टेल आता है, एलिफेंट ईयर आता है, नीमो कैंडी आता है, गैलेक्सी प्लाकाट आता है, और नीमो में भी मून टेल आता है, कोई मून टेल बोलते हैं उसको, या फिर आप उसको कैंडी मून टेल बोलते हैं, वो भी अवेलेबल है मार्केट। अवतार भी आता है, वाइल्ड बेटा भी आता है उसके अंदर, और बहुत सारी वैराइटीज़ है जो जैसे कि अलग अलग टाइप्स के बहुत सारी वैरायटीज़ है, तो वो भी मार्केट में अवेलेबल मिल जाते हैं, बट थोड़े कॉस्टली रहते हैं। कुछ अलग रखने की आस में बहुत से लोग अलग अलग फाइटर यूज़ करते हैं, बट मेरे स्टार्टिंग मेरे हिसाब से बोलना चाहिए अगर आप पर्टिकुलर अगर आपने पाल चुके हो, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है बेटा पालने में, तो आप महंगे बेटा कलेक्ट कीजिए, प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। आम के सूखे हुए पत्ते लेना है, बॉयल करना है उसको, आपको एक पतीले के अंदर बॉईल करना है, उसका एक वाटर क्रिएट करके आपको बना के उसके अंदर एक बॉटल में रखना है, आपको वही बॉटल का पानी आपको यूज़ करना है, तो आप जो ब्लैक वाटर बाज़ार से खरीदते हो
तो वो आपका वही काम करेगा, ब्लैक वाटर का काम करेगा। आप जब भी पानी चेंज करेंगे 30% आपको पानी चेंज करना है, फुल्ली पानी चेंज नहीं करना है, ओनली फॉर बारीक पाइप से आप कचरा भी निकाल सकते हो। आप अगर बकेट में यूज पानी चेंज करना चाहते हो, बकेट में आप निकाल दें वो नीचे से कचरा बैठ जाएगा, ऊपर का पानी थोड़ा सा डाल दें, फिर हल्का सा नया पानी ऐड करें तो भी आपका बेटा एकदम बेस्ट रहेगा। ये तो हो गया मेरे केयर का सब्जेक्ट, मैंने आप लोग को बता दिया। अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे आप मेरा, उसके ऊपर आएगा टॉपिक के ऊपर बेटा का डिसेस एंड ट्रीटमेंट। आपको बेटा का केयर मतलब डिसेस अगर होता है तो उसको ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है, उसके ऊपर मैं वो भी वीडियो बनाऊंगा, तो वो भी वीडियो आप देखिए। ओके आरी भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत ही बढ़िया सा नॉलेज दिया हमको बेटा फिश का, कि यानी अगर हम बेटा फिश बाय करते हैं और घर लेके जाते हैं तो उसे कैसे रखना है। अगर फिश हेल्दी रहेगा इनिशियली तो उसको डिसीज नहीं होगा, और डिसीज होता है तो उसके लिए भी आप नेक्स्ट वीडियो बना रहे, तो उसके लिए भी थैंक यू प्रीवियसली। और बहुत ही अच्छा सा लगा आरिफ भाई हमें जान के बेटा फिश के बारे में। आई होप कि हमारे जो व्यूवर्स है वो देख के अभी कुछ गलती नहीं करेंगे। थोड़ा केयर कीजिए जानवर, अगर घर में लाते हो तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, टाइम टू टाइम पानी चेंज करना, टाइम टू टाइम खाना डालना, अच्छा प्रोडक्ट है हिकारी का यूज़ करो, बेटा फूड वो भी बेस्ट है, इसके अलावा ड्राई ब्लड वॉम भी डाल सकते हो तो भी बेस्ट है। ओके आरिफ भाई, अल्टरनेट में एक चीज़ बोलना चाहूँगा, भूल गया था, एक फूड के बाद कभी मच्छी को रखना नहीं होता है, अल्टरनेट दो फूड या तीन फूड आपको यूज़ करना पड़ेगा, चेंज कर करके फूड आप यूज़ डाला करिए, ताकि मच्छी आपके हेल्थी रहे और खाते रहे, अलग अलग टाइप का खाना मिलते रहे उसको, अलग अलग प्रोटीन्स विटामिन्स मिलते रहे उसको। ओके अरे भाई थैंक यू। ओके थैंक यू सो मच, बाय। ऊपर में जो सर्कल दिया है उस पर क्लिक कीजिए और फिशेस एंड प्लांट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।